अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू आर फाइन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लेक्चर नंबर 4, दैट इज़ इन योर लेसन नंबर 1। द टॉपिक वी डिस्कस अबाउट टुडे इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ द सिस्टम दैट डील्स विद ब्रीथिंग, कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी सांस लेने को के प्रोसेस में हेल्प करता है, उसको डील करता है। जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि आप एयर को इनहेल करते हैं, और एयर में मौजूद होती है ऑक्सीजन जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, और रिमूव आउट कर देते हैं, टेक आउट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में मौजूद होती है। हम क्या कर रहे हैं, एयर को इनहेल कर रहे हैं। एयर में क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर रहे हैं। तो दिस इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये पार्ट्स हैं, पिक्चर में देखें कि ये पार्ट जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं। ये हम वन बाय वन डिटेल से पढ़ते हैं। ऑर्गन्स हैं कि कौन से ऑर्गन्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जो मेन ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का है वो है लंग्स, जिन्हें हम फेफड़े कहते हैं। हमारी बॉडी में 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं, एक राइट लंग होता है और एक लेफ्ट लंग्स होते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेशन में जो हेल्प करते हैं वो है नोज़ के। नोज़ के ज़रिए आप सांस लेते हो, और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि फ्लू हो जाता है तो जिसकी वजह से आप सांस नहीं ले पा रहे होते, तो तब आप क्या करते हो, अपने माउथ के ज़रिए भी सांस लेते हो, और वो जो एयर है फिर उसके बाद लेरिंग से गुजरती है, फिर फेरिंग से, फिर ट्रेकिया से, और फिर वो जाती है लंग्स के अंदर। अब देखिए पिक्चर के अंदर ये नेज़ल कैविटी है कि नोज़ के थ्रू जो है एयर आपने इनहेल की, फिर ये गई फेरिंग्स में, फेरिंग्स से फिर ये लेरिंग्स में, देन ये जो ट्यूब है ये है ट्रेकिया, और देन ये है राइट एंड लेफ्ट लंग्स। एक्सप्लेनेशन कि हम किस तरह सांस जो है वो अंदर लेके जाते हैं एयर को, और किस तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकालते हैं, वो हम डिटेल से पढ़ते हैं। एयर हम इनहेल कर रहे हैं माउथ के ज़रिए और नोज़ के ज़रिए, और फिर उसके बाद वो जो एयर है, वो जो ऑक्सीजन है, ट्रैवल करती है हमारे फेरिंग्स से, फिर लेरिंग से, और फिर ट्रेकिया जो एक ट्यूब है, और वो ट्यूब जो है वो ओपन हो जाती है 2 लंग्स के अंदर, राइट और लेफ्ट लंग्स। और लंग्स में क्या होता है कि टाइनी एयर सैक्स, हवा की थैलियाँ मौजूद होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एल्वोलाई, और वो एल्वोलाई क्या करती हैं कि जो एयर आई है उस एयर के अंदर से ऑक्सीजन को लेती हैं और उसको ब्लड के अंदर मिक्स कर देती हैं, और वो ब्लड फिर बाद में कहाँ जाता है कि वो ब्लड जो है आपके हार्ट में जाता है, और हार्ट क्या करता है उस ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसकी पूरी बॉडी में पम्प कर देता है। और उसी तरह क्या होता है कि जो हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो आपकी बॉडी से आया होता है, वो फिर हार्ट क्या करता है लंग्स को भेजता है, लंग्स फिर इसी तरह ही ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को मिक्स करता है ब्लड के साथ, और वो ब्लड दे देता है हार्ट को। नेक्स्ट है ब्रीथ आउट, कि हम किस तरह अगर हम ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह बॉडी के अंदर से रिमूव कर रहे हैं। When we breathe out, कि जब हम सांस खारिज करते हैं तो अपोजिट रिएक्शन होता है, कि पहले हमने ऑक्सीजन को लिया और उसको ब्लड में मिक्स किया, अब हम क्या करेंगे कि जो ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट के अंदर से, उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अब्सॉर्ब कर लेगा एल्वियोलाई, जो एयर सैक्स थी हमने अभी पढ़ी कि एल्वियोलाई क्या है, एयर सैक्स हैं जो 600 अमाउंट में है लंग्स के अंदर। उन्होंने क्या किया कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लिया, और फिर उसके बाद उसको भेज दिया ट्रेकिया में, ट्रेकिया उस ट्यूब के ज़रिए जिससे ऑक्सीजन इनहेल हो रही थी, इससे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होगी, ट्रेकिया के बाद जाएगी वो लेरिंग्स में, लेरिंग्स से फेरिंग्स में, और फिर माउथ और नोज़ के ज़रिए बॉडी से रिमूव हो जाएगी। ये है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि आप किस तरह जो है वो सांस ले रहे हो, किस तरह ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो, और किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हो। डायरी यही है कि आपने ये टॉपिक जो है थॉरली रीड करना है अपनी बुक से, और इसके अबाउट जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे इसके अबाउट 3 क्वेश्चंस हैं, उनको आपने लर्न करना है। थैंक यू।